Yesterday we started chapter number 8, alkyl halides, and there we discussed about the classification of alkyl halides. And we discussed about primary, secondary and tertiary carbon atoms, alkyl halides, and also N, iso and neo compounds. After that I told you about the characteristic reactions of alkyl halides, that because of the saturated nature of alkyl halides, they undergo substitution reaction instead of addition reaction. And since due to higher electronegativity of halide, carbon has a positive charge, it means carbonium ion is present in alkyl halides, that's why the positively charged carbonium ion is a great place to be attacked by a negative charged nucleophile. So that's why alkyl halides favor nucleophilic substitution reaction. And then I told you that nucleophile can be of various types. It can be OH negative, it can be OR negative, it can be SH negative, it can be NH2 negative, it can be CH negative, it can be RCOO negative. It depends ki aapne kis reagent ke saath alkyl halide ka reaction karwaya hai. Usse hame different tarah ke nucleophile milte hain, aur wo different tarah ke nucleophile jo hai wo alkyl halides mein jaakar jo hai wo अल्काइल हैलाइड्स में हैलोजन को रिमूव करते हैं एज अ लिविंग ग्रुप, और कार्बोनियम आयन के साथ सी पॉजिटिव के साथ जाकर अटैच होकर कोई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं. तो ये सब तो जो कल हमने डिस्कस किया था इस बारे में मैं बता रहा हूँ. आज हम क्या बात डिस्कस करने वाले हैं, आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा द मैकेनिज्म्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जैसे कि हमसे पहले दो तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ा है. एक हमारा एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि अल्केन्स करते हैं, ठीक है, या मीथेन या इथेन करते हैं. और एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि बेंजीन करता है, थ्री स्टेप मेथड होता है वो. आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो अल्काइल हैलाइड्स करते हैं, ठीक है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो, उनके मैकेनिज्म की बात की जाए तो उनके जो मैकेनिज्म होते हैं वो दो तरह के होते हैं. टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म वो अंडरगो कर सकते हैं. तो अगर हम अल्काइल हैलाइड्स जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं उसके मैकेनिज्म की बात करें तो वो दो तरह का मैकेनिज्म कर सकता है जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है. एक SN2 मैकेनिज्म करता है और एक SN1 मैकेनिज्म करता है. अब आखिरकार इसको SN2 और SN1 बोलते क्यों हैं, तो सबसे पहली बात तो मैं इस चार्ट में आपको ये बताऊंगा कि SN2 और SN1 का नाम क्या है, इसको फुल फॉर्म क्या है इसकी, SN2 और SN1 की. तो उसको रिवर्स पढ़ते हैं, याद रखिएगा, उसको उल्टा पढ़ते हैं, रिवर्स पढ़ते हैं. टू से मुराद यहाँ पर क्या है, टू से मुराद यहाँ पर है बाई मॉलिक्यूलर. एन से मुराद यहाँ पर है न्यूक्लियोफिलिक. एस से मुराद यहाँ पर है सब्स्टिट्यूशन, और एंड में हम लिख देते हैं रिएक्शन. तो एक हमारे पास फर्स्ट होता है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा अब हम इसको इस तरह रिवर्स पढ़ेंगे तो SN1 है, तो वन से मुराद हो गया यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो सबसे पहली बात कि नेम क्या है इस मैकेनिज्म का. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आखिरकार इसको SN2 और SN1 बोलते हैं क्यों है. ये 2 यहां पर क्या बात बता रहा है और ये 1 यहां पर आपको क्या बात बता रहा है. तो ये 2 और 1 असल में यहां पर आपको मॉलिक्यूलरिटी बता रहा है, या इसको हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता रहा है. मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम जो है फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं. क्या चीज़ होती है मॉलिक्यूलरिटी, फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी.
अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रहा है तो जो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट ले रहे हैं उसको हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। अब कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है तो याद रखना है कि स्लो स्टेप। फास्ट स्टेप जो होता है ना उसके आप रेट को उसके स्पीड को डिटरमाइन नहीं कर सकते, जैसे कंबस्टन रिएक्शन हो गई ठीक है उसकी स्पीड को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत फास्ट रिएक्शन है। लेकिन जो स्लो रिएक्शन होते हैं उनकी रेट को उनकी स्पीड को डिटरमाइन किया जा सकता है। दैट्स वाई किसी भी रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है उसको केमिस्ट्री में हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने भी मॉलिक्यूल टेक पार्ट लेते हैं इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। अब यहां पर SN2 मैकेनिज्म में दो मॉलिक्यूल टेक पार्ट लेते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, दैट्स वाई हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी कह सकते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 2 होती है। जबकि अगर हम बात करें SN1 मैकेनिज्म की तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास 1 होती है। तो बस ये 2 और 1 कहने की वजह क्या आती है SN2 SN1 मॉलिक्यूलरिटी, बस समझ आ रही है कि मॉलिक्यूलरिटी की वजह से उसको हम 2 और 1 कहते हैं। अच्छा वो दो कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ थोड़ी देर में कि वो दो कौन से मॉलिक्यूल हैं जो कि स्लो स्टेप में टेक पार्ट लेते हैं और यहाँ कौन सा एक मॉलिक्यूल जो है वो स्लो स्टेप में टेक पार्ट लेता है। ठीक है अगर वर्बली मैं बता दूं अगर इसको यहीं पर तो यहाँ दो मॉलिक्यूल में एक आपके पास आर एक्स हो जाएगा और आपके पास जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल वाला कोई मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है और यहाँ पर सिर्फ आपके पास जो है वो आर एक्स ही होता है, एक ही मॉलिक्यूल होता है। तो इसको मैं समझाता हूँ एक्सप्लेन करता हूँ आगे जाकर। थर्ड थिंग विच अल्काइल हैलाइड विल अंडरगो दिस मैकेनिज्म SN2 और SN1, कौन से ऐसे अल्काइल हैलाइड हैं जो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे और कौन से ऐसे अल्काइल हैलाइड जो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। तो याद रखना है हमें कि जो हमारे पास तो हमें इसको याद रखना है कि जो हमारे पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स होंगे, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स होंगे वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जिसको हम ये भी कह सकते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स विल ऑलवेज अंडरगो SN2 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म जो फॉलो करेंगे दे आर एक्चुअली 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स जितने भी होंगे वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे और जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं दे आर नोन एज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। अच्छा अगर आपके जहन में ये सवाल जनरेट होता है कि भाई 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स कौन से मैकेनिज्म को अंडरगो करेंगे तो वो मैं आखिरी में लेक्चर के बिल्कुल एंड में आज आपको बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, 15-20 मिनट आधे घंटे बाद बताऊंगा। ठीक है कि 2 डिग्री वाले क्या करेंगे अभी नहीं। स्टेप्स कितने होंगे इसमें तो याद रखिए कि SN2 मैकेनिज्म करेगा, SN2 तो है बट स्टेप यहाँ पर जो होगा सिर्फ और सिर्फ 1 स्टेप, एक ही स्टेप में रिएक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जबकि SN1 मैकेनिज्म जो होता है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इसमें एक स्टेप होते हैं इसमें मल्टीपल स्टेप होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे नाम से धोखा खा जाते हैं, मैंने मैक्सिमम बच्चों को टेस्ट कॉपी में लिखते हुए देखा है कि SN2 में 2 स्टेप है SN1 में 1 स्टेप है, वो 2 से मुराद 2 स्टेप समझ रहे होते हैं। नहीं, 2 से मुराद यहाँ मॉलिकुलरिटी है, 1 से मुराद वहाँ मॉलिकुलरिटी है, स्टेप इसका रिवर्स है। SN2 में 1 स्टेप है SN1 में 2 स्टेप है, अल्टरनेट है। ट्रांजिशन स्टेट कैसे कहते हैं, आ स्टेट इन विच बॉन्ड्स आर हाफ ब्रोकन एंड हाफ फॉर्म। एक ऐसी स्टेट जिसमें बॉन्ड आधा टूटा और आधा बना हुआ हो उसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो SN2 मैकेनिज्म के अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट आती है जबकि SN1 मैकेनिज्म के अंदर कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं आती है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम दिस साइड। अच्छा अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं मैं आपको एग्जाम्पल से अब मैं बताता हूँ, फिलहाल इसको मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, अब मैं एग्जाम्पल में आऊँगा जब तो दोबारा से आपको ये सारे बातें रिपीट कर दूंगा। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे डिफरेंट रिएक्शंस 1 डिग्री के और 3 डिग्री के, कि किस तरह से 1 डिग्री के अंदर SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है और 3 डिग्री के अंदर SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। रिएक्शन ऑफ इथाइल क्लोराइड विथ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इथाइल क्लोराइड एक कंपाउंड हमारे पास है, प्राइमरी होता है, इथाइल क्लोराइड सेकेंडरी टर्शरी वैसे भी पॉसिबल नहीं हो सकता, प्राइमरी ही होता है। तो प्राइमरी इथाइल क्लोराइड लिखें या सिर्फ इथाइल क्लोराइड लिखें, दे बोथ आर सेम थिंग, बात एक ही है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अच्छा
तो इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन एक्वस KOH के साथ होगा, तो मैकेनिज्म SN2 फॉलो करेगा बिकॉज प्राइमरी है 1 डिग्री है और एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखाता हूँ इथाइल क्लोराइड, ठीक है। सो दैट इज अच्छा इथाइल क्लोराइड के बजाय हम यहाँ पर चलो इथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, दैट इज कार्बन। नाउ हियर इज अ हैलोजन एक्स, क्लोराइड लेना है तो दैट इज Cl। नाउ हियर इज अ मिथाइल ग्रुप CH3, यहाँ पर H है और यहाँ पर H है, ये हो गया प्राइमरी इथाइल क्लोराइड C2H5Cl। प्राइमरी क्यों है, जो कि अल्फा कार्बन के सिर्फ एक ही जानिब रेडिकल्स अटैच्ड है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। इसका रिएक्शन हम कराते हैं KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसके अंदर एक ही स्टेप होगा, एक ही स्टेप में पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और वो पहला स्टेप ही इसका जो है वो स्लो स्टेप होगा, फास्ट नहीं होगा। तो K पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। अच्छा हुआ क्या कि यहाँ पर निक्लोफाइल की अटैकिंग राइट साइड से इधर पे नहीं हो पाएगी, यहाँ पर निक्लोफाइल जो है वो लेफ्ट साइड से अटैक करेगा। अभी मैंने यहाँ पर इसको जो लिख दिया है तो दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। वाई? बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पर देखो हाइड्रोजन एक छोटा मॉलिक्यूल है, ये एटम है और क्लोरीन एक बिग एटम, सो देयर इज मच मोर स्टेरिक हिंड्रेंस फ्रॉम द राइट साइड, दैट्स व्हाई दिस न्यूक्लियोफाइल कैन नेवर अटैक इट फ्रॉम द साइड ऑफ हैलोजन। सो व्हाट विल इट डू, इट विल अटैक फ्रॉम द लेफ्ट साइड। सो इन मैकेनिज्म द पोजिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम वेयर इट इज अटैकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज योर नंबर्स विल बी डिटेक्टेड इन द बोर्ड एग्जाम्स। द स्टूडेंट्स नेवर केयर अबाउट दिस थिंग्स, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि वो बोलते हैं कहीं पे भी लिख दो क्या फर्क पड़ता है, चेकर तो अंधा है नंबर दे ही देगा, ये आपकी भूल होती है। तभी 99% बच्चे बी कॉम करते हैं मेडिकल लेके और 1% डॉक्टर बन पाते हैं, वजह यही है। 9-10 में हम पढ़ते हैं, 9th class में लेते हैं कंप्यूटर साइंस, इंटर में लेते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग और इंटर के बाद यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस लेते हैं जाके, मतलब बी कॉम कर लेते हैं जाके। तो बड़ा हमारा डिफरेंस होता है कि 9th and 10th में हम 9 में हम कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, इंटर में जब जाते हैं तो इंजीनियरिंग मेडिकल में से कोई एक ले लेते हैं और जब आगे जाते हैं इंटर के बाद बी कॉम लेके बैठ जाते हैं। 99% तो कराची का यही करती है, वजह यह कि जिस लेवल पर जिस तरह पढ़ना चाहिए उस तरह वो पढ़ते नहीं। तो सबसे पहली बात मैंने लिखकर मिटाया, इस वजह से वजह क्या थी कि यहाँ पर हम राइट साइड से अटैक नहीं कर सकते थे बिकॉज वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस था, वहाँ पर बल्की मॉलिक्यूल मौजूद था, दैट्स वाई न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो किस साइड से अटैक करेगा, तो हम कहते हैं भाई लेफ्ट साइड से अटैक करेगा, ठीक है। अब लेफ्ट साइड से ले आते हैं KOH को, KOH आ गया और इसका रिएक्शन अब हम करा देते हैं इथाइल क्लोराइड के साथ। इथाइल क्लोराइड दैट इज यहाँ पर हाइड्रोजन देन कार्बन देन CH3 और यहाँ पर हैलोज क्लोरीन आ गया, सॉरी दैट इज H, ओके। नाउ अब क्या होगा यहाँ पर कि एक जो है वो आपके पास कार्बन हैलाइड बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज कैरी हो जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कैरी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आयन आपके यहाँ पर बनेगा, सो दिस इज कॉल्ड कार्बोनियम आयन, इसको हम कार्बोनियम आयन कहेंगे बिकॉज वेन एवर कार्बन कंटेंस अ पॉजिटिव चार्ज दिस इज कॉल्ड कार्बोनियम आयन। के प्लस OH माइनस, नाउ दिस OH माइनस विल अटैक दिस कार्बोनियम आयन एंड दैट के विल रिएक्ट विथ Cl नेगेटिव। अब क्या होगा इसके अंदर, यहां पर अगर हम चेक करें सो दैट इज कार्बन, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ मिथाइल, एक तरफ हाइड्रोजन। अब यहां पर चेक करो, हेयर आई एम यूजिंग डॉटेड डॉट्स, हेयर इज OH एंड हेयर यहां पर जो है दैट इज Cl, ठीक है। अच्छा OH जो है वो K से अटैच होने वाला है, इट कैन बी अटैक टू K, K से निकलने वाला है और Cl जो है वो
जो है वो यहाँ से केस अटैचमेंट होने वाला, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, उसको छोड़ दे रहा हूँ। ओके, अब इसको मैं क्या करूँ, बड़े से ब्रैकेट के अंदर डाल दूँ। यहाँ पर क्या चीज़ दिख रही है आपको, ये जो चीज़ दिख रही है इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मैंने आपको बताया कि जब भी SN2 mechanism फॉलो होगा उस सूरत में आपके पास ट्रांजिशन स्टेट आएगी। ट्रांजिशन स्टेट किसे कहते हैं कि जब बॉन्ड आधे टूटे हुए आधे बने हुए हो। यहां पर ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ये हाफ ब्रोकन है, तो लेट मी राइट इट हियर कि यहां पर ये बॉन्ड हाफ ब्रोकन है, जबकि ये यहां पर बॉन्ड कैसा है, हाफ फॉर्म्ड है। तो ऐसी स्टेट जो आती है इन बिटवीन, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। एक ही वक्त में कार्बन से क्लोरीन निकल रहा होगा और उसी दौरान OH नेगेटिव या न्यूक्लियोफाइल कार्बन से अटैच हो रहा होगा या कार्बोनियम आयन से अटैच हो रहा होगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि जो Cl कंप्लीटली डिटैच हो जाएगा लिविंग ग्रुप के तौर पे। अच्छा, एक ही स्टेप है, इसको मैं यहां पर स्लो स्टेप कह रहा हूं। कंप्लीटली डिटैच हो जाएगा कार्बन CH3 और यहां पर OH की अटैचमेंट हो जाएगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और Cl नेगेटिव K के साथ जुड़कर KCl बना लेगा। ये जो कंपाउंड यहां पर आपके बना, दिस इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल C2H5OH, प्राइमरी इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, दैट्स ओके। सो अब यहां दोबारा रिपीट करते हैं हम SN1 मैकेनिज्म के बारे में। नेम ऑफ मैकेनिज्म, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों कहते हैं इसको हम बायोमोलिकुलर? स्लो स्टेप में, एक ही स्टेप है भाई, एक ही स्टेप है। और वो एक ही स्टेप कैसा स्टेप है? स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप कैसा स्टेप होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल से एक पार्ट ले रहे हैं, एक और एक दो, इसलिए टू। इसमें से एक अल्काइल हैलाइड है और दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइल। ये दो पॉइंट्स अब क्लियर हो गए जाकर। कौन सा अल्काइल हैलाइड अंडरगो करेगा ये मैकेनिज्म? तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड करेगा। अच्छा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही वन स्टेप में क्यों कर रहा है, वजह क्या है, क्यों टू स्टेप में नहीं कर रहा? कोई आपसे पूछे सवाल, रीजन में मैं पूछ लूं आपसे, तो आप क्या बताएंगे कि यहां पर इसके अंदर, यहां पर जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंदर, यहां से जब बॉन्ड टूट रहा होगा तो लेफ्ट साइड से जगह होगी अटैक करने की, चूंकि लेफ्ट साइड पर छोटे एटम्स हाइड्रोजन के मौजूद होंगे, तो एक ही साथ OH जुड़ भी सकता है कार्बन से और क्लोरीन निकल भी सकता है कार्बन से। दैट्स व्हाई वन स्टेप में ये होता है। और हमेशा वन डिग्री अल्काइल हैलाइड या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, और इसमें के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आता है जिसमें बॉन्ड आधे टूटे हुए और आधे बने हुए होते हैं, और इसमें न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड से अटैक करता है बिकॉज यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। और रेट एक्सप्रेशन अगर आपको लिखना हो, अगर आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है उसके अंदर, तो नहीं पढ़ा था हमने, तो मैं सिंपल वे पर बताता हूँ कि रेट एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। कि चैप्टर 8 केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ईयर में ये था कि डी एक्स ओवर डी टी, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, डी इज फॉर चेंज, डेरिवेटिव भी इसको हम मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, एक्स मतलब कंसंट्रेशन ओवर डी टी, डी डी मतलब होता है स्मॉल चेंज, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, दैट इज डी एक्स ओवर डी टी, इसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ये इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितने भी रिएक्टेंट होते हैं जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हिस्सा लेते हैं, उनके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं रेट लॉ चैप्टर 8 के अंदर। तो इसी सूरत में हमें यहाँ पर जो मैंने दो बॉक्सेस खाली छोड़े हैं, यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन हमें लिखना है। अब इसमें देखो आप यहाँ पर कि स्लो स्टेप के अंदर दो मॉलिक्यूल टेक पार्ट ले रहे हो, तो रिएक्टेंट दोनों के रिएक्टेंट यहाँ पर आ जाएंगे, डी एक्स ओवर डी टी, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड आर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एन यू। दोनों पर ये से ये साबित होता है कि जो है वो SN2 मैकेनिज्म जो है वो दोनों पर डिपेंड करता है, उसके स्पीड दोनों रिएक्टेंट से कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट में मैंने दोनों लिख दिया। अब इसका बिल्कुल उलट अपोजिट है हमारे पास SN1 मैकेनिज्म। SN1 में क्या होता है, अब इसको समझते हैं, SN2 को अगर समझ में आपको थोड़ी चीज़ आती है तो SN1 समझते हैं, फिर ज़्यादा बेहतर SN2 भी समझ में आ सकता है आपको, क्योंकि दोनों बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के। इसके मैकेनिज्म का नाम है SN1, SN1 मैकेनिज्म मतलब यूनि मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको क्यों कहते हैं यूनि मॉलिकुलर, SN1 क्यों कहते हैं, बिकॉज इसकी मॉलिकुलरिटी, इसका ऑर्डर कितना है भाई, वन है,
सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल टेक पार्ट लेगा डिटरमाइनिंग स्टेप में, सोलो स्टेप में, जो अल्काइल हैलाइड होगा बस। ये किस अल्काइल हैलाइड के अंदर अंडरगो करेगा? तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के अंदर अंडरगो करेगा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के अंदर अंडरगो करेगा। वजह क्या है कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना, उनमें एक तरफ से तो हैलोजन अटैच है और बाकी तीनों तरफ से जो है वो अल्काइल रेडिकल्स बल्कि मॉलिक्यूल अटैच है। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के चारों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस मौजूद होती है, इसकी वजह से वो एक स्टेप पर रिएक्शन नहीं कर पाता, वो मल्टीपल स्टेप पर रिएक्शन करता है। तो SN1 मैकेनिज्म जो है वो 2 स्टेप के अंदर जाकर होता है और उसके अंदर कोई भी ट्रांजिशन स्टेट नहीं आती। एक बॉन्ड पहले पूरा टूटता है, उसके बाद दूसरा बॉन्ड जुड़ता है। अभी पूरा मैं समझाता हूँ कैसे होगा ये डिटेल में। अच्छा, निक्लोफाइल अटैक किस साइड से करेगा? यहाँ पर राइट साइड से करता था, तो यहाँ पर लेफ्ट से करता था, तो इधर पर राइट से करेगा। रट्टा नहीं लगाना है, समझना क्यों करेगा, नीचे बताऊँगा। अभी रेट एक्सप्रेशन की बात करूँगा तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल टेक पार्ट लेगा, वो एंड में मैं ब्लैंक्स फिल कर दूंगा इसमें। चलो अब आते हैं रिएक्शन करते हैं यहाँ पर, तो एग्जाम्पल करते हैं रिएक्शन ऑफ टर्शियरी अल्काइल टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड विद एक्वस KOH। आप चूंकि टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, उसका मतलब क्या हो गया, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया, टर्शियरी हो गया, तो ये हमेशा SN1 मैकेनिज्म अंडरगो करेगा। और SN1 मैकेनिज्म एक स्टेप में नहीं, 2 स्टेप में होता है, 2 अलग अलग स्टेप्स उसके अंदर पाए जाते हैं। सबसे जो पहला स्टेप आपके पास होता है स्टेप नंबर 1, जिसको आप कहते हैं स्टेप नंबर 1 में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन या C+ आयन जिसको हम कहते हैं, इसकी फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले किस तरह से होती है, जरा इसको देखो। ये यहाँ पर हमारे पास कार्बन, नाउ CH3 और Cl, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड अभी इसके साथ निक्लोफाइल अगर अटैच नहीं हो सकता, चारों तरफ से जगह ही नहीं, अटैक कहीं से नहीं कर सकता, ना राइट से कर सकता ना लेफ्ट से कर सकता। अभी चारों तरफ बड़े मॉलिक्यूल मौजूद है, बड़े एटम्स मौजूद है, बल्कि मॉलिक्यूल स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो अभी कुछ भी नहीं हो सकता। अभी होगा क्या, जरा समझो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड इट इज द स्लो स्टेप। सबसे पहले ये बॉन्ड यहां पर ब्रेक होगा और यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपका बाहर। नाउ दिस इज कार्बोनियम आयन। अब क्या होगा, राइट साइड से आप देख रहे हैं जगह खाली हो गई अटैक करने के लिए। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो निक्लोफाइल है वो राइट साइड से अटैक कर देगा। यहां पर क्यों कर रहा था सर एक साथ, तो यहां पर लेफ्ट साइड से जगह थी, हाइड्रोजन छोटा सा एटम था, घुस गया आराम से। यहां से घुसना चाह रहा था, बल्कि मॉलिक्यूल रोक दे रहा है उसको, स्टेरिक हिंड्रेंस है। यहां से घुसना चाह रहा था, क्लोरीन भी बड़ा एटम रोक दे रहा है, बोला है रुके रहो, अभी जब तक क्लोरीन का बॉन्ड नहीं टूटेगा नहीं आना, अटैक नहीं करना। तो पहले यह बॉन्ड टूट के निकला पूरा, अब अटैक करेगा। सोचता नहीं है इतना मॉलिक्यूल, ये मैं आपको अंदाज से बताने का मेरा, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा ही रहन में घुसाना है, याद रखना है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, बट टॉपर ऐसे नहीं बन जाते कराची के, समझना पड़ता है। अच्छा, स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2 सेकंड स्टेप अब करेगा अटैक ऑफ निक्लोफाइल ऑन टर्शियरी कार्बोनियम आयन। कैसे करेगा भाई, अब CH3 पॉजिटिव, अब आएगा निक्लोफाइल। निक्लोफाइल में हमारे पास है KOH, OH नेगेटिव, इसका निक्लोफाइल निकलेगा और ये सेकंड स्टेप जो होगा वो आपका फास्ट स्टेप होगा। आपको बोले कि भाई ऐसा क्यों, पहला स्लो दूसरा फास्ट, को याद रखिए बॉन्ड का क्लेवेज होना, बॉन्ड का टूटना स्लो स्टेप होता है, बॉन्ड का बनना फास्ट स्टेप होता है। बॉन्ड क्लेवेज इज द स्लो स्टेप व्हाइल बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज द फास्ट स्टेप इन केमिस्ट्री। तो यहां पर बॉन्ड चूंकि बन रहा है इसलिए यह फास्ट स्टेप है। क्या हो जाएगा, CH3 और यहां पर OH आकर अटैच हो जाएगा और यह जो आपका कंपाउंड यहां पर बनेगा दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नाउ लेट्स डिस्कस दिस अगेन। भाई SN1 मैकेनिज्म 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। SN1 से मुराद यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, चूंकि स्लो स्टेप में रिएक्टेंट में सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा। यहां कितना मिल रहा है आपको, वहां कितना मिल रहा है, आके है ना भाई, देख सकते हो एक मिल रहा है यूनिमॉलिक्यूलर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बैठ के किताबें खोलकर रट्टा मारना पड़े, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल दिख रहा है तो SN2, 1 मॉलिक्यूल दिख रहा है तो SN1,
तो वन सिर्फ एक मॉलिक्यूल स्लो स्टेप में हिस्सा ले रहा है अल्काल हैलाइड, थ्री डिग्री में हमेशा ये होगा। और थ्री डिग्री में क्यों होगा? बिकॉज थ्री डिग्री बहुत ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, उसमें दो स्टेप में ही होगा, एक बार आपका हैलोजन निकलेगा, दूसरी बार फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कोई भी ट्रांजिशन स्टेट इसके अंदर आप देख सकते नहीं आई, न्यूक्लियोफाइल ने राइट साइड से अटैक किया बजाय लेफ्ट साइड से, मतलब उस साइड से अटैक किया जहां पर हैलोजन था, हैलोजन के साइड से अटैक करेगा, जबकि ये हैलोजन के अपोजिट साइड से अटैक करेगा। अब जरूरी नहीं है आप सीएल को यहां घुमा दो ना तो अब यही वाला राइट साइड से कट जाएगा। ये मैं इसलिए लेफ्ट राइट लिख रहा हूं बस समझाने के लिए, नॉर्मली कराची की 90% आबादी राइट साइड पर कुलीन डालती है, लेफ्ट साइड पर पेपर वाले डाल दें तो आप राइट साइड से अटैक करा देंगे कोएच, सही है, मतलब वहां पर अटैक करेगा सीएल जहां सीएल के अपोजिट साइड से अटैक कर जाएगा, जबकि ये कहां पर अटैक करेगा जहां पर सीएल होगा उसी साइड से अटैक करेगा, ठीक है। रेट एक्सप्रेशन हमें लिखनी हो तो dx ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपसिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल दैट इज rx, इस पर ही डिपेंड करेगा। यहाँ पर दोनों चूंकि स्लो स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट ले रहे थे, तो ये मैंने कंप्लीट पेपर में इस तरह से आपको नहीं बताना है ऐसे करके, इस तरह ये साइंटिस्ट नहीं बनना है ऐसे करके, आपको वर्डिंग लिखनी है जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको लिखा देता हूँ। वहाँ पर बस मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म, समझ में आया सबको क्या चीज़ है, क्या डिफरेंस है दोनों में? मस्ट कमिंग क्वेश्चन है पेपर में, हर साल दोनों में से एक लाजमी आता है, ये SN1 या SN2 चार नंबर का या पाँच नंबर का लाजमी आएगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक बात रह गई है, वो ज़रा सुन लें, एक मिनट और दे दें। तो मैंने यहाँ पर अभी फिलहाल तो आपको ये बता दिया कि 1 डिग्री अल्कलाइल हैलाइड जो होंगे वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, वो एक ही स्टेप के अंदर होगा। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड से स्टेरिक एंट्रेंस कम है, छोटा आइटम मौजूद, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा और हैलोजन निकल जाएगा। जबकि 3 डिग्री अल्कलाइड के अंदर क्या होगा? 3 डिग्री अल्कलाइड 2 स्टेप में क्यों होंगे? चूँकि ये इसमें चारों तरफ से बल्की मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, चारों तरफ बल्की मॉलिक्यूल मौजूद हैं, इसलिए पहले न्यूक्लियोफाइल इस हैलोजन के निकलने का इंतजार करेगा, उसके बाद अटैक करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 2 डिग्री अल्कलाइड आ जाए या सेकेंडरी आ जाए तो क्या करें? ये जहन में सवाल जनरेट होता है कि सर 1 डिग्री का तो समझ में आ गया अच्छे से, 3 डिग्री का भी समझ में आ गया अच्छे से, 2 डिग्री क्या करेगा? तो भाई 2 डिग्री के पास फिर वही ना कि जी चाहे जौन सी वाली बात है, दोनों कर सकता है, SN1 भी कर सकता है, SN2 भी कर सकता है, फैसला कौन करेगा? अच्छा ये इट इज़ वेरी नॉन इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू, पेपर में कभी भी आपसे नहीं पूछा गया, जस्ट बता रहा हूँ मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, जनरल नॉलेज के लिए आपकी, कि ये 2 डिग्री अल्कलाइड क्या सब्सटीट्यूशन करेगा SN1 SN2, ये डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पर कि सॉल्वेंट क्या है। अगर पोलर सॉल्वेंट हो, मतलब अगर वाटर हो, तो वाटर की प्रेजेंस में सेकेंडरी अल्कलाइड SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, और अगर अल्कोहल हो जाए जैसे कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट हो जाए उसकी मौजूदगी में सेकेंडरी अल्कलाइड SN2 की फॉर्मेशन करेंगे। तो सेकेंडरी अल्कलाइड के मैकेनिज्म किस चीज़ पर डिपेंड करती है? कि जो आपने सॉल्वेंट यूज़ किया है वो क्या है, वो पोलर है क्या नॉन पोलर है। सॉल्वेंट से मुराद क्या है कि जो एरो के ऊपर जो हम लिख रहे होते हैं ना वो सॉल्वेंट, कभी वाटर लिखते हैं कभी अल्कोहल लिखते हैं, तो वो इस पर डिपेंड करेगा कि क्या चीज़ बनेगी। समझ आ गई बात?